हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, ई टी टी का अपना जो टॉपिक चल रहा है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड टीचर। कल आप क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया से अपना मीनिंग ऑफ क्लासरूम हो गया से प्रॉब्लम्स देख रहे आप। प्रॉब्लम्स आप दो तरह समस्यावां कीतियां सी सीखन सिखाउण नाल ते जमात कमरे की व्यवस्था नाल। सीखन सिखाउण अगे फरदर दो पार्ट्स डिवाइड सी जिहदे विच अध्यापकां नाल संबंधित समस्यावां अपनियां हो गईयां सी ते अज आप करनी है विद्यार्थियों नाल संबंधित समस्यावां। ठीक है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू लर्नर। सब तो पहला हैगी है घर तो प्राप्त की गई बुरी आदतें, बैड हैबिट्स एक्वायर्ड फ्रॉम द होम। तो सब तो पहली जी ये आती है प्रॉब्लम यह आई है विद्यार्थी घर तो ही कहते बहुत बुरी आदतें जीडिया वो लगा लेंगे, जिमें दूजे का सन्मान ना करना। जिस स्कूल में फिर वो दाखिला लेंगे उत्थे कई विषयों के की है प्रॉब्लम्स जीडिया उत्पन्न करते क्योंकि उन्होंने घरों वधिया संस्कार नहीं मिल जाते। सैकेंड हो गया स्कूल तो भजना ट्रंसी। तो स्कूल तो भजना कहते कुछ वातावरण घर का माहौल जोड़ा होंगे ना वो कुछ ज़्यादा वधिया नहीं होंगे तो बच्चे ना मतलब घर के माहौल तो ही इह जी तरह ना मतलब जे अध्यापक सख्ती पेश आते हैं तो बच्चे स्कूल तो भजन का यतन करते हैं, मतलब उन्होंने कुछ सहन शक्ति नहीं आती। तो इस करके जी फैक्टर है ये एक समस्या का कारण बनती है। विशेष उम्र नाल संबंधित समस्यावां प्रॉब्लम रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक एज लाइक अडोलसेंस। तो कुछ समस्यावां यह भी होंगे कि बच्चे कई बार भावनात्मक तनाव दे विच हुंदे है, जिंदगी नूं समझना उन्हां नूं औखा लगता है क्योंकि बच्चों की उस टाइम ग्रोथ हो रही होंदी है, फिजिकली मैंटली ग्रोथ हो रही होंदी है। तो कई बार बच्चे कई समाज नाल अपने आप नूं ना मॉपअप नहीं कर पाते तो समस्यावां सुलझा नहीं पाते। तो यह भी की है उन्होंने एक प्रॉब्लम्स का कारण बनती है जिन्हें कारण क्लासरूम के प्रॉब्लम क्रिएट करनियाँ शुरू कर देंगे है। नैक्सट पॉइंट है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्यावां पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ सम स्टूडेंट। कहते हूँ विद्यार्थियों ने कुछ आप व्यक्तिगत प्रॉब्लम भी होंगे, कई व्यक्ति की सेहत नहीं ठीक या घर के वातावरण तो दूर है वो, तो इस तरह दिया प्रॉब्लम्स नाल भी विद्यार्थियों कई समस्यावान का सामना करना पैंता, दिन कार्य के कुछ रुकावट आ जाती है तो यह सारिया समस्यावान का कारण बनती है। नैक्सट इज़ संकरणिता कंपलैक्सिटीज। उस अलावा कहें कई तरह दिया विद्यार्थियों ने की है कई तरह दिया कुरीतियां विद्यार्थियों के हो जाए कमियां हो जाए जो कि उन्होंने क्लासरूम के उन्होंने एक स्थाई रूप के रुकन के काफ़ी ज़्यादा रुकावट पाते हैं। रट्टे की प्रवृत्ति क्रैमिंग जोड़े बच्चे करते हैं, कुछ आदत बच्चों होंगे ना भी चीज़ा समझते नहीं सीखते नहीं है, उन्होंने रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं तो बच्चों प्रॉब्लम जीडिया फेस आउट करते हैं क्योंकि समझ के की चीज़ ही अपन जिंदगी अगर काम आती है, जी जिन्होंने आप क्रैम करते हैं रट्टा लगाने वो फरदर अपने काम नहीं आती। नैक्सट इज़ अनियमित अते समय का प्रबंध ना होना, इरेगुलर एंड अनपंचुअल। कुछ विद्यार्थी जोड़े होंगे वो पछड़े वर्ग का संबंधित होंगे है ना, तो वह मतलब आपदी समस्यावान समझते हैं ना ही समय के प्रबंध होंगे डिसिपलिन होंगे है। तो इस तरह करके कई खेत्र कुछ बच्चे गरीब है कुछ अमीर है घरेलू काम मतलब इन्ना ज़्यादा इन्ना अनियमितता कारण समय के प्रबंध ना होने करके बच्चों को जिंदगी के समस्यावान का सामना करना पैदा है। फजूल खर्ची तो गतिहीनता वेस्ट हो जाए स्ट्रैजीनेशन। हूँ बहुत सारे कहें पेंडू खेत्र की है झुग्गिया झोपड़िया लोग रेंदे हैं, शहरी खेत्र जो पढ़न आते हैं गरीब बच्चे तो उन्होंने बहुत सारिया समस्यावान का सामना करना पैदा। तो इन्हों करके विद्यार्थियों कई बार फेल भी हो जाते हैं तो जमात उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोड़िया समस्यावान फेस आउट कर पैदा। सैकेंड अपना ये आ गया क्लासरूम व्यवस्थित संबंधी समस्यावान प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्लासरूम मैनेजमेंट। पहलिया समस्यावान अपनी खत्म होंगे, सैकेंड आप क्लासरूम संबंधित समस्यावान की गल करा। तो क्लासरूम संबंधित समस्यावान की होंगे स्थाई भी हो सकती हैं अस्थाई भी हो सकती हैं, स्थाई मतलब जो परमानेंट ही रहिंदियां स्थाई जिन्होंने आप कुछ सोल्यूशन कढ़ के अध्यापकों के संपर्क में आके जिन्होंने सोल्यूशन कढ़ सकते हैं वो अपन सामने आदि है। तो सब तो पहले हैगी जमात कमरे में विद्यार्थियों की ज़्यादा संख्या। हूँ कहते स्कूल के जो एक क्लास के बहुत ज़्यादा विद्यार्थी बैठे होंगे 70 to 100 तक विद्यार्थी बैठे है पूरी तरह लद्दो लद्द क्लास भरी हुई है तो विद्यार्थियों जो सिटिंग के प्रॉब्लम आती है तो उन्होंने चीज़ों समझने के भी मुश्किल आती है, इसलिए एक क्लास के ज़्यादा विद्यार्थियों की संख्या कारण जो ओवरहैड हो जाता है तो क्लासरूम काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनिया पैदा है। सैकेंड हैगी है गैर अकैडमिक वातावरण अनअकैडमिक इनवायरमेंट। जो क्लास के जोड़ा वातावरण है वो अकैडमिक वातावरण नहीं है। ठीक है, बच्चे एक मतलब कहते हैं ना एक डर के रह के पढ़ते या काम करते हैं तो उत्थे बच्चों प्रॉब्लम जीडिया वो फेस करनिया पैदा या पक्षपाती वातावरण क्लास के पाया जाए तो उस प्रॉब्लम फेस करनिया पैदा। नैक्सट है कि काम का ज़्यादा पार्ट जो बच्चों के उत्ते बहुत ज़्यादा काम का एक्सैसिव लोड हो जाता है ना तो बच्चों के उत्ते एक बोझ बन जाता है जिस तो कारण बच्चे अपनी चीज़ों समझ नहीं पाते ग्रैप करने के प्रॉब्लम आती है, जो समझ नहीं पाते तो उन्होंने समझाने अगर इंप्लीमेंट करने के प्रॉब्लम आती है तो यह भी एक क्लासरूम के प्रॉब्लम आता एक हिस्सा बनता है। उस तो बाद आ गया
अनउपयुक्त फर्नीचर जो इनएडुकेट अनकंफर्टेबल फर्नीचर होंगे जो बच्चों को बैठने का सही प्रबंध नहीं होंगे या क्लास के कोई इस तरह की बहुत सारी समस्यावान का सामना करना पैंता है फर्नीचर वगैरह सही नहीं मिलता तो भी वो एक वधिया लर्निंग दे विच रुकावट का कारण बनता है। रोशनदाना की बुरी दशा पुअर वेंटीलेशन देखो एक क्लास कमरे का जो प्रबंध है जेकर कमरे हवादार नहीं होंगे रोशनी का प्रबंध सही नहीं होगा तो भी बच्चों एजुकेशन गेन करने प्रॉब्लम आती है इसलिए जो क्लासरूम का प्रबंध है वह होना चाहिए वधिया कमरे होने चाहिए हवादार होने चाहिए प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए वेंटीलेशन ताकि बच्चों के उत्ते रोशनी हवा प्रॉपर मिलती रहे तो आप पढ़ाई के वधिया ध्यान लगा सकन। फिर आ जाता है अटुकवे उपकरण इन एडुकेट एन इन एप्रोप्रिएट उपकरण इक्विपमेंट्स उपकरणों का कहें जो सही नहीं होंगे अनुचित विद्यार्थियों में सीखने सही दिशा में नहीं पाते जो उपकरण ही अपने को सही नहीं है इक्विपमेंट कोई बोर्ड की डायरेक्शन नहीं सही हैगी ठीक है कोई मार्कर वगैरह अवेलेबल नहीं है क्लास के जो उपकरण सही नहीं होंगे तो फिर बच्चों सीखने के प्रॉब्लम आती है। फिर अपनिया ये जो सैकेंड प्रॉब्लम आदि वो आदि पाठक्रम सहित संबंधित क्रिया का अभाव लैक ऑफ कोकुलर एक्टिविटीज़ कहते विद्यार्थियों को मतलब दोनों तरह की एजुकेशन जी मिलनी चाहिए है पाठक्रम भी बच्चों का वधिया होना चाहिए जिस टैक्सट बुक्स न रिलेटिड एजुकेशन भी होंगी प्लस कोकुलर एक्टिविटीज़ जीडिया होंगे भी बच्चों का ताकि बच्चे स्कूल में एजुकेशन के नाल नाल आपका खेड के मैदान का सही उपयोग कर सकन ठीक है खेड सकन आपका वधिया अगे बढ़ सकन तो ये चीज़ा भी बहुत ज़्यादा जरूरी होंगी। अनुशासनहीनता इनडिसिपलिन जो हों देखो डिसिपलिन तो बिना लाइफ के कुछ भी सुधारा नहीं जा सकता इसलिए बच्चों का डिसिपलिन होना जरूरी है जो बच्चे अनडिसिपलिन होंगे है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जिंदगी दे जो कोई प्रॉब्लम आदि उन्होंने फेस आउट करनी मुश्किल हो जाए इसलिए इनडिसिपलिन भी एक बहुत वड्डा समस्या का कारण बनता है। निर्णय लैन में देरी डिले इन डिसीजन मेकिंग जो कहते आप एक वधिया डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते तो यह भी एक हानि का कारण बनता है जो आप लेट डिसीजन लेंगे तो अपना जो अध्यापक एक पक्षपात के आधार पर डिसीजन लेंदा या लेट डिसीजन लेंदा है तो भी बच्चों के बच्चों को कई समस्यावान का सामना करना पड़ता है। इनाम और सज़ा की अवेक्षशीलता प्रयोग उस तो अलावा कहते जो हूँ स्कूल में दंड भी होने चाहिए प्राइज़ भी होने चाहिए जो कोई बच्चा कोई वधिया काम नहीं करता तो उन्होंने दंड दिता जाए जो कोई बच्चा वधिया काम करता उन्हें एप्रीशिएट किया जाए ये की है विद्यार्थी अगे मोटीवेट होंगे काम करने लिए इन चीज़ों का अभाव जोड़ा वो नहीं होना चाहिए। अध्यापक राजनीति टीचर एंड पॉलिटिक्स कहते हैं हूँ जे बच्चे जे अध्यापक पूरे आप ही नियमित नहीं होंगे बच्चे ने पूरा साल नहीं पढ़ाते ठीक है तो वह भी की है एक विद्यार्थियों के जीवन में उस चीज़ का की पैंदा एक बहुत बुरा प्रभाव पैंदा है विद्यार्थी सही तरीके अगे वध के नहीं आते शोर जो क्लास के वातावरण अपन ढुकवा नहीं मिलता टीचर क्लास के पढ़ा रहे बच्चे पढ़ रहे तो आसे पास शोर की भावना आ रही है तो बच्चे तनाव के रेंगे तो बच्चों को कोई गल समझ नहीं आती तो यह भी एक समस्या ही है। अशुद्ध शोधन की समस्या प्रॉब्लम ऑफ करैक्शन वर्क कहते जो भाषा सीखने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है चाहे विदेशी देशी कोई भी भाषा जो अध्यापकों को मापिया को समा घट है जो बच्चों को भाषा का ज्ञान नहीं होगा शुद्ध रूप में शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो वह सही तरीके पढ़ नहीं पाएंगे। फिर अपने कुलों के आएगा व्यवस्था नाल संबंधित जमात कमरे दीयां समस्यावां नूं सुलझाउण दे की ढंग है इन्हां समस्यावां नूं आपां किवें सुलझा सकते हैं। सब तो पहला हरेक कमरे विच विद्यार्थियों की संख्या जी निश्चित होनी चाहिए है ठीक है ये नहीं भी ओवरलोडेड क्लास में निश्चित संख्या होनी चाहिए है अध्यापक सुनिश्चित होने चाहिए है ठीक है स्कूल में बैठन उठन की सही जिम्मेवारी होनी चाहिए है प्रिंसीपल की अध्यापकों की जो कोई अशुद्धि है किसी काम में वह शुद्धियों संशोधन करना ठीक है कट्ठिया होकर जमात ना लगाना ताकि शोर आता ना जो एक दूजे की क्लास तो वो ना प्रॉब्लम फेस आउट करनी पवे सारे भौतिक जोड़े साधन है बच्चों को सही तरीके प्रयोग करवाए जान सही दिते जा सही निरंतर हो सही प्रयोगशाला का प्रयोग है अध्यापक डिसिपलिन होने चाहिए है पाठक्रम सही तरीके का होना चाहिए है अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए क्लासरूम के बच्चे की होना चाहिए अनुशासन होने चाहिए डिसिपलिन होने चाहिए है सिक एक राजनीति वधिया तरीके होनी चाहिए है एक मतलब एक पॉजिटिव जी पॉलिटिक्स है वो होनी चाहिए नैगेटिव नहीं होनी चाहिए तो स्कूल की जी इमारत है वो वधिया होनी चाहिए है सही रोशनदाना का प्रबंध होना चाहिए तो हरेक अध्यापक आपदिया जीडिया है समस्यावान बच्चों समझे उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करे बच्चों खेडा के पढ़ने के नाल खेडा वगैरह की व्यवस्था भी होनी चाहिए जब आप सारे सुधार उपलब्ध कर लेंगे तो जिन्हिया भी अपन क्लासरूम के प्रॉब्लम्स आदि उन्होंने काफ़ी हद तक आप दूर कर सकते हैं।
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਿਵੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਧਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰਸ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਟੀਚਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਕਚੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧੀਆ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਹੈਲਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਮਾਤ ਕਮਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਕਲਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਕੀ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਮਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੈਨਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਲੈਨਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਐਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ, ਐਜੂਕੇਟਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਤੱਵ ਸਮਝਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ, ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼, ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਅਵਲੋਕਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਵਲੇਖਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ, ਜਮਾਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਅਵਲੋਕਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਲੋ ਲਰਨਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜੂਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੀਵ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੱਖਣਾ ਦੂਸਰੇ ਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਹੋਣ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮਧੁਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੀਚਰਸ ਐਂਡ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਦੇਰ ਮਸਟ ਬੀ ਆ ਹੈਲਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਮਾਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲਸ ਕੀ ਹੈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁ ਪੱਧਰੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਵਲ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਉਚਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਵਲਸ ਇਨ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲਰਨਿੰਗ ਗੇਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਾ ਆਪਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ, ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।